हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो। एम ऑडिबल? ओके ओके परफेक्ट 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 बहुत बढ़िया यार सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ इंफिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य आई सपोज सब बढ़िया है यार एंड uh, बहुत ही जल्द सेशन स्टार्ट होने वाला है माय नेम इज जादर्श राय एंड uh, ये हमारी एक बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज रन हो रही है नीट पराक्रम की किन के लिए उन बच्चों के लिए जो कि नीट 2023 के अपने स्कोर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है और देखना चाह रहे हैं नीट 2024 में एक अपनी बहुत श्योर शॉर्ट रैंक ओके वो देखना चाह रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना वो सारी चीजें देखना चाह रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर एस्पेरेंट एस्पायर करता है आप चाह रहे हो एक सीट सिक्योर करना एक बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करना और उसके लिए एक श्योर शॉट 640 प्लस का स्कोर एक्सपेक्ट करना फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में 150 प्लस स्कोर एक्सपेक्ट करना ट्रस्ट मी बच्चों 150 प्लस का स्कोर कोई बहुत हैवी नहीं है बहुत इजी है बड़े आराम से आ जाता है और नीट 2023 का पेपर अगर आप लोगों ने देख लिया है उसे एनालाइज भी किया होगा तो आप खुद जानते हो कि पेपर कितना लड्डू कितना ईजी आ रहा है पूरा पूरा बेस्ड आ रहा है एनसीईआरटी से डराइव हो रहा है और अगर हमने कुछ सही तरीकों से चीजों को कंप्लीट किया बहुत ज्यादा क्वेश्चन के चार या पांच क्वेश्चन टफ थे अगर मैं वो टफ क्वेश्चन या थोड़ी ट्रिकी टफ तो उन्हें भी नहीं बोलूंगा ट्रिकी सवालों को भी छोड़ देता तो आराम से मैं 140, 150 का स्कोर अचीव कर सकता था बट कुछ दिक्कतों की वजह से कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाया मैं स्कोर नहीं कर पाया तो कोई समस्या नहीं है यार अगर हमने ठान लिया है कि हाँ हमें ड्रॉप लेना है अगर हम डिटरमाइंड है कि हमें ड्रॉप लेना है सो यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म गाइस यहां पे पूरे साल आपको डेडिकेटेडली फैकल्टीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके फैकल्टीज यहां आएंगे और आपको वो टॉप नॉच एजुकेशन देंगे जो कि आपकी रैंक सिक्योर कर सकती है ठीक है और इसी के चलते हमने एक प्योर ड्रॉपर बैच नीट पराक्रम बैच रन कर रहे हैं जिसमें जितने भी ड्रॉपर्स हैं आप यहां आओ आप सेशंस देखो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी उस चैनल को ज्वाइन करो जिसपे आपको सारे कंटेंट सारे नोट सारे डीपीपीज मिलेंगे और आपकी जो एंटायर प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी अगर आपको लगता है कि यार मुझे एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक अटल बैच की लिंक भी मिल जाएगी जिसके थ्रू आप उसकी डिटेल्स भी जान सकते हो इफ यू वॉन्ट अ पर्सनलाइज अटेंशन और अगर इफ यू थिंक कि यार मैं बस लेक्चर देखने की जरूरत है मैं एक लेक्चर देखना चाहता हूं थोड़े अच्छे अंदाज से थोड़े एडवांस अंदाज से और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं डीपीपीस करना चाहता हूं और पी क्यूज से मेरा काम हो जाएगा देन यू आर एट द करेक्ट प्लेटफॉर्म यहां पे आपको वो सारी ही चीजें मिलेंगी जो कि आपकी रैंक को इंश्योर कर सकती है ठीक है सो माई इज आदर्श राय एंड लेट्स बिगिन दिस वेरी वंडरफुल टॉपिक ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली हम काइनामेटिक्स की आज से शुरुआत करने जा रहे हैं टिक्स किस किस से बना है kinematics बना है मोशन इन वन डी और मोशन इन टू डी से जिसमें हम मोशन इन वन डी के जो इनिशियल टॉपिक्स है है इनिशियल इनिशियल टॉपिकल्टिशियल कौन से जिसमें आपकी पोजिशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एवरेज स्पीडेंट इन स्पीड इक्वेशन इन सबके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और क्योंकि काइनामेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है ग्राफ्स का सो so, ग्राफ का एक डेडिकेटेड सेशन रहेगा जो कि हमारा अगला सेशन रहेगा जिसमें हम ग्राफ्स के बारे में इन डेप्थ आइडिया लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया लेंगे क्योंकि के क्वेश्चन हैं और ग्राफ्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा सताते भी हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी देते हैं तो उसके बारे में भी डिस्कशन होगा एक डेडिकेटेड सेशन है ग्राफ्स के लिए जिसमें ग्राफ के बारे में और ग्राफ के एनालिसिस के बारे में बात की जाएगी यहां पे हमारा जो आज के टॉपिक्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे हमारे आज के जो टॉपिक्स रहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में उसमें मैं इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सब के बारे में बात करूंगा साथ ही साथ इक्वेशंस ऑफ मोशन और इससे रिलेटेड वो स्टैंडर्ड उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे तो आओ सर स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं पहली चीज जो कि है पोजीशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अब देखो यार सेशन स्टार्ट होने वाला है तो जितने भी लोग देखेंगे प्लीज अभी देखो बाद में देखो जब भी देखो प्लीज एक बार में सेशन कंप्लीट करना ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा सवा घंटा घंटा समथिंग का होगा और उस दौरान मैं चाहता हूं कि आपका पूरा डेडिकेशन एक साथ आप पूरा लेक्चर देखो और बस आपके कॉपी होनी चाहिए आपके साथ में आपका पेन होना चाहिए और आप होने चाहिए फुल माइंड के साथ ठीक है दैट शुड बी द थिंग ओवर ओवेर आप इतने ही यही चाहिए दिस इज दी ओनली एक्सपेक्टेशन आप डेडिकेटेडली पूरा सेशन देखो आपको देखो काफी सारे इनपुट्स मिलेंगे तो देखो सबसे पहली चीज पोजिशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है अब ये दो जो है पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट यहां वेक्टर क्वांटिटीज है लेकिन चलो इनके बारे में जरा बात करते हैं क्या है तो पोजीशन होती है किसी भी पॉइंट की अगर तुम पोजीशन डिफाइन करना चाहो जैसे कि मैं अभी कहाँ हूं मैं अभी एनसीआर में हूं मैं अभी भारत के किसी कोने में हूं तो मैं आपको कैसे बताऊंगा जैसे सपोज हम कॉल पे बात कर रहे हैं मैं बोलूंगा कि यार मैं मुंबई में लोकेटेड हूं मुंबई में मैं मरीन ड्राइव पे लोकेटेड हूं अब मेरा इतना बोल देना आपको काफी एफिशिएंट लगता है कि हाँ सर अब हम समझ गए है ना समझ गए कैसे समझे आप लोग क्योंकि आपने मुंबई को पोजीशन कर लिया मुंबई भारत में है भारत के थोड़ा वेस्टर्न सदर्न वेस्टर्न साइड में है और वहां पे लोकेटेड है मुंबई में सी कोस्टल एरिया जो है वहां पे एक मरीन ड्राइव लोकेटेड है इस तरीके से आपने मेरे को पोजीशन कर लिया तो पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है राइट पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और पोजिशन का असली मजा तब आता है जब कुछ रेफरेंस में हो जैसे मुंबई एक रेफरेंस हो गया मुंबई की जो लोकेशन है वो भारत के रेफरेंस में और इस वर्ल्ड के रेफरेंस में बताएगी सपोज करो हमें ग्राउंड पे खड़े हम एक ग्राउंड पे खड़े हुए हैं एक बड़ा सा ग्राउंड है ऐसा राइट right? एक बड़ा सा ग्राउंड है <clears throat> एक बड़ा सा ग्राउंड ओके okay. अब इस बड़े से ग्राउंड पे इस बड़े से ग्राउंड पे मैं यहां पे खड़ा हूं ठीक है इस पोजीशन पे अब इस पोजीशन को मैं आपको कैसे समझाऊंगा तो इस पोजीशन को समझाने के लिए मुझे एक मुझे एक

रेफरेंस पॉइंट जो कि सबको पता है जैसे कि इंडिया भारत सबको पता है ना तो रेफरेंस पॉइंट सबको पता है अब रेफरेंस पॉइंट से मेरी जो पोजीशन है वो कैसे दिखाई जाएगी मेरी पोजीशन दिखाई जाएगी इस पर्टिकुलर वेक्टर से जो कि कहलाता है आर वेक्टर कैसे दिखाते हैं है? पोजिशन वेक्टर, हो वेक्टर होता, आर क्या होता है एक जनरलाइज पोजिशन वेक्टर होता है जो कि आपकी पोजिशन डिफाइन करता है किसी भी रेफरेंस लाइन से तो यहाँ पे मैंने एक आर वेक्टर डिफाइन कर दिया ठीक है अब जो मेरी पोजिशन है ना पोजिशन ऑफ पॉइंट एक

सिंपल सी चीज इसको मैं आर आई बोल देता हूँ इसको ग्राउंड पे खड़ा था मैं ग्राउंड पे खड़ा था इनिशियल पॉइंट ये था मेरा ये फाइनल पॉइंट था मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया कैसे भी गया ऊपर नीचे कैसे भी करके गया सपोज मेरा जो जाने का रास्ता था वो कुछ इस तरीके का था ऐसा गया और ऐसा गया ठीक है इस तरीके से मैं गया इस तरीके से मूव होते हुए मैं पॉइंट पॉइंट से B तक गया ओके सर ठीक है अब ये मेरी फाइनल पोजीशन हो गई ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई आओ समझते हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा आओ समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा तो डिस्प्लेसमेंट भाई देखो सिंपल सी चीज बोलता है डिस्प्लेसमेंट बड़ी सिंपल सी चीज बोलता है डिस्प्लेसमेंट आपको यह बोलेगा कि यार डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द चेंज इन पोजिशन दैट इज द चेंज इन पोजिशन मतलब फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन कर दो क्या बोला मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मात्र सिंपल होता है चेंज इन पोजिशन फाइनल पोजिशन में से इनिशियल घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अब आई एक्सपेक्ट किया वेक्टर समेशन और वेक्टर एडिशन आता है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये चीजें समझे हुए टाइम हो चुका है क्योंकि आप ड्रॉप ईयर में हो तो क्या यहां पे हम दो वेक्टर्स का सब्रैक्शन कर सकते हैं क्या हमें आता है बिल्कुल आता है हमें बिल्कुल आता है और अगर नहीं आता तो टेंशन मतलब बहुत ही जल्द आपको बेसिक मैथ्स की एक सेशन आ जाएगा बेसिक के उस सेशन में आप समझ जाओगे वेक्टर एनालिसिस कैसे करते हो ठीक है तो आओ जरा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में के बारे में अब क्या हो जाएगा is just going to be change in position. हाँ जी सर सर कैसे पता करेंगे तो तो ये रहा, initial vector ये रहा रहा तो क्या होगा सर कौन सा लॉ लगाएंगे देखो यार जरा ये मेरा आर एफ है और ये मेरा आर आई है राइट अब

आर एफ वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट पता चल गया क्या मेरे को हाँ जी सर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया ये ना डिस्प्लेसमेंट ये ये है डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये क्या है मेरा ये हो गया सर मेरा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया सर मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आ रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट समझ पा रहे हो क्या क्लियर है हाँ जी सर ये है मेरा मेरा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 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 ओके ओके सर तो वेक्टर? ये रहा डेल्टा के बराबर क्लियर है तो डिस्प्लेसमेंट समझ गए क्या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं इसी चीज को बोलते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्लियर

ऑफ़ द पाथ कवर्ड समझ में आया क्लियर है ठीक है सर ये तो देखो बच्चों वाली हो ये तो हम से रिलेटेड इज चेंज इन पोजिशन बहुत से लोग डिस्प्लेसमेंट वैक्टर को आर वैक्टर से कंफ्यूज कर लेते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आर वेक्टर से कंफ्यूज कर लेते हैं एकदम अलग है दोनों चीजें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो

r वेक्टर के बराबर क्लियर है तो यहां पे मैं यहां बिल्कुल यूज कर सकता हूं कि भाई जो मेरी आगे की चीजें वेलोसिटी dr dt वो ds dt होगा या आगे जो चीजें हैं वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट r के बराबर बोल सकता हूं बट कायदे में जो रिलेशन है वो ये है तो कभी आप ओरिजिन से स्टार्ट ना हो कभी आप ओरिजिन से स्टार्ट ना हो तो आपको यार ये प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू निकालना है आंसर कि मतलब जो पोजीशन वेक्टर होता है वो कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से

और बहुत स्टैंडर्ड सा सिंपल सा केस होता है यार बस एक फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए हमेशा और तुम आंसर निकाल दोगे एवरेज स्पीड क्या है एवरेज स्पीड सिंपली हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्लियर है बिल्कुल सही सर और जो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्लियर तो ये मेरी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है ये मेरी क्या हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्लियर है एवरेज वेलोसिटी क्लियर है जी सर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी ऑब्वियसली एवरेज स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी ऑब्वियसली एकदम सिंपल सी चीजें हैं क्योंकि भाई ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ये scalar है. ये ये स्केलर है 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 आपकी आपकी क्या वेक्टर क्वांटिटी और ये आपकी क्या है स्केलर क्वांटिटी है तो उसी हिसाब से उसी तर्ज पे ये आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी क्लियर है सर ओके okay. एक और इंपॉर्टेंट नोट एक और इंपॉर्टेंट नोट क्या है इंपॉर्टेंट नोट कि सर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्टेंस से डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं हो सकता मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी गोइंग टू गुड मॉर्निंग मिथुन यार यादव जी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू देखो नोट क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है क्लियर हमेशा और इक्वल टू किस सिनेरियो में होता है इक्वल टू होता है ना बाएं जा रहा है मतलब सीधे सीधा चलता ही जा रहा है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे और इसी पे मैं यह भी बोल सकता हूं दोनों की डिवाइड बाय टाइम कर एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज भी लेसर देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड

डायरेक्शन ऑफ यूर मोशन शुड नॉट चेंज आप से स्ट्रेट लाइन में जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ तो आप बेसिकली उस सिनारियो में आओगे जब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा आपका क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा समझ में आ रहा है क्या हाँ जी सर आ रहा है सर डीपीपी प्रोवाइड करिएगा ना बिल्कुल यार मिथुन जी बिल्कुल करेंगे डेफिनेटली होगी यादव जी और दूसरी चीज सेशन में इतने सारे क्वेश्चन और पीवाई क्यूज डले हुए हैं ना कि डीपीपीस की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसका डीपीपीस तो डेफिनेटली मिलेंगी भाई बिल्कुल मिलेंगे टेंशन मत लो ठीक है देखो तो ये आपकी क्या हो गई ये हो गई आपकी यार इनिशियल ये हो गई आपकी इनिशियल पोजिशन और ये आपकी होगी फाइनल क्लियर है? तो इस में, जब तुम सीधे सीधे जा रहे हो बिल्कुल टर्न नहीं हुआ तो ये वो होता है जब तुम्हारा क्लियर है। है? है होते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं क्लियर है सारी चीज समझ में आई ना एवरेज स्पीड वेलोसिटी का है? जी सर ओके सर बढ़िया 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 आगे बढ़ाओ सर आगे बढ़ाओ एक्सेलरेशन तो क्या हो जाता है तो एवरेज एक्सेलरेशन का सिंपल यहीं से आता है

क्लियर देख लो डेल्टा टी जहां पे आ जाए मतलब बड़ा अंतराल डेल्टा टी जहां भी आ जाए मतलब बड़ा अंतराल ओके हाउ मच टू स्टडी फिजिक्स डेली टू स्कोर वन सिक्सटी प्लस इन नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फ्रॉम जीरो लेवल बॉस आपको कम से कम कम से कम दिन के सात से आठ घंटे डेडिकेट करने कम से कम बोल रहा हूं मैं कम से कम सात से आठ घंटे डेडिकेट करने हैं जिसमें फिजिक्स कोई नहीं आपको सारे सिलेबस को बराबर देखना है हालांकि अगर आप ड्रॉपर बैच में हो तो आपको पता है है आपकी गलतियां कहा है? आप गलतियां कहां आपसे क्यों हुई ठीक है? और क्योंकि आप बोल रहे हो मैं जीरो लेवल से हूं तो जीरो लेवल से हो तो यार आपको सारे सब्जेक्ट्स पे सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली ध्यान देना अगर फिजिक्स में जीरो और बाकी सब में कुछ स्टैंडर्ड है तो फिजिक्स में तो यार आपको डेली कम से कम दो से तीन घंटे देने ही ठीक है थ्योरी

तगड़े बहुत ही स्ट्रांग पत्थर पे भी निशान छोड़ सकती है तो यार हम बार बार मेहनत करेंगे तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं है ना तो सिंपल सी चीज है आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है यार न्यूमेरिकल्स की न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगी सिंपल सी चीज ये भी मैंने यूज की थी मैंने भी अपनी आई ऐसे ही निकाली है भाई सिंपल इसी तरीके से कि न्यूमेरिकल्स ही इतने ज्यादा कर लिए ना कि न्यूमेरिकल से ही एक्सपेक्ट करता था कि भाई थ्योरी आनी चाहिए तो न्यूमेरिकल के बेसिस पे वो थ्योरी समझ लेता था और ऐसे इतने सारे न्यूमेरिकल इतने सारे न्यूमेरिकल करते गए कि थ्योरी आएगी ठीक सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है एवरेज एक्सेलरेशन का सिंपल फंडा ये है कि एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन सिंपल हो जाती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम सिंपल यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी जो भी चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम चेंज इन वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बोल सकता हूं डिवाइडेड बाय डेल्टा टी ये वेलोसिटी के लिए डिफाइंड है मतलब कि मैं घर से निकला जब मैं घर से जा रहा था तो घर से निकला तो मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन था पांच मीटर पर सेकंड कहा भाई ईस्ट की तरफ फिर आगे बढ़ा और मैं पहुंच गया किसी चौराहे पे जब मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन था दस मीटर पर सेकंड किस तरफ भैया ईस्ट साउथ की तरफ ठीक है तो चेंज कितना आएगा चेंज कितना आएगा वो चेंज यहां पे दिख जाएगा चेंज कितना आएगा वो चेंज यहां पे दिख जाएगा समझ आ गया हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गया तो ये एनालिसिस रहता है एवरेज एक्सेलरेशन का दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी अच्छा सर ठीक है बढ़िया बढ़िया अब बात करते हैं जहां से सवाल आते हैं सवाल तो देखो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से भी आएंगे जो कि अभी अपन करेंगे सटासट करेंगे जो मेन चीज है प्राप्त होंगे जो कि हमारे साथ हमेशा रहने वाले तो कौन से हैं वो सर तीन हथियार फटाफट बता दो तो ठीक है इनको डिफाइन करते हुए तीन हथियार भी बताऊंगा वो तीन हथियार हमेशा रहेंगे उन तीन हथियारों इक्वेशन ऑफ मोशन भी बनेंगे ठीक है सो तीन कौन से पहला हथियार आता है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब यह होता है v इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी आ गया सॉरी डी आर बाई डी टी क्या है डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी हो गया आपका क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेक्टर भी आएगा और आर वेक्टर के ऊपर भी आएगा क्लियर है सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी डी d...

डिफाइन डिफाइन तो तो इंस्टेंटेनियस 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 एक्सेलरेशन 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 होती है है आपकी सिंपल छोटे से अंतराल में जो वेलोसिटी का चेंज हुआ उससे मैं पता करता ठीक तो और इन दोनों को मिला के एक तीसरा हथियार केक्वल टू वी डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी डी बी अपॉन डीएक्स क्लियर है ये सारे रिलेशन इतने काम के आने वाले ना आपको जब ग्राफ समझोगे आप सारे के सारे रिलेशन ये स्लोप कैसे बताता है ये कैसे बताता है वो कैसे डीएक्स नहीं करके डी आर करेंगे डीएक्स नहीं करके क्या करेंगे डी आर करेंगे क्योंकि हम आर पे हम बड़े हो गए हैं हम बच्चे नहीं हैं हम मोशन इन वनडी तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें तो और आगे तक जाना है तो अब हम लिए पोजिशन वैक्टर आर हो जाएगा हमारे लिए पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा आर वेक्टर अच्छा सर ठीक है बिल्कुल सही बिल्कुल सही समझ गए आप ये पूरा एनालिसिस हाँ जी सर बिल्कुल समझ गए चलो सर आगे बढ़ते हैं तो ये तीन केस हमने समझ लिए अब इसको डिफरेंस बिटवीन एवरेज और instantaneous समझने से पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ सवाल करते हैं जिससे थोड़ा मजा है और समझ में भी आए तो सबसे पहला सवाल है भाई पार्टिकल इज डिफाइंड एज इतना X plus 2t plus 5. इसमें हमें क्या पता करना है एवरेज वेलोसिटी पता करके बताओ एक से तीन सेकंड के बीच में और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करो पांच सेकंड पे। सिंपल है सर सिंपल है अभी हमने दोनों ही चीजों के बारे में जानकारी ली है अच्छा क्या क्या जानकारी ली सर हमने जानकारी सर ये डी आर बाई डी टी हो गया अब आर यहां पे एक्स से रिप्लेस होगा आर यहां पर एक्स रिप्लेस होगा तो आर की जगह एक्स डाल दो आर की जगह एक्स डालो नी बाई डी टी ऑफ थ्री टी स्क् और ये क्या बात है अब इसका जरा डिफरेंशिएशन करके बताओ इसका जरा करोगे तो टू, so, अच्छा। टू टी का, का डिफ्रेंसिएशन सो बाहर so, आ गया टू इंटू वन पांच का डिफ्रेंसिएशन तो सर बच्चा बच्चा जानता है जीरो होगा मतलब ये आ गया सर सिक्सटी प्लस टू ये क्या आ गया मेरा सर ये आ गई सर मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आ गई मेरी वेलोसिटी समझ आया क्या हाँ जी सर समझ आ गया जिन जिन को यार देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा डाउट है थोड़ी प्रॉब्लम है टेंशन मत लो फटाफट इसी चैनल पे एक बेसिक मेथड बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स का एक बहुत बेहतरीन सा सेशन आने वाला है वो सेशन सभी के लिए जो ग्यारहवीं में पढ़ रहा है उसके लिए जो बारहवीं में पढ़ रहा है उसके लिए जो आपका ड्रॉप ईयर में पड़ेगा उसके लिए क्योंकि वहां पे ऐसे होलिस्टिक टॉपिक्स और होलिस्टिक चीजें समझाई जाएंगी जो कि आपको मजा ला देंगे जो कि आपको आनंद ला देंगे वेक्टर्स कभी आपको दिक्कत नहीं देंगे साथ ही साथ आपको कैलकुलस में कभी कोई समस्या नहीं आएगी तो बहुत ही मजेदार बहुत ही अमेजिंग सा सेशन होगा वो देखना जरूर उसको उसको देखना जरूर ठीक है सो so, वी की वैल्यू कितनी होगी सिक्सटी प्लस अच्छा सर बहुत बढ़िया आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दिया लेकिन सर हमें पांच पे बताना था तो इस एक्सप्रेशन में टी इक्वल टू फाइव रख दो वेलोसिटी हमें कब पता नहीं थी T पे रखो ना रखो इसमें तो सिक्स इन टू फाइव मीटर पर ये आ गई क्या सर हमारा आंसर यस yes, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दी कितने पांच सेकेंड पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दी किस पे पांच सेकंड पे अब सर एवरेज वेलोसिटी भी बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपकी क्या क्या थी? Average velocity थी सर सर? अच्छा जी total displacement क्या होता है सर? वो तो होता है चेंज इन पोजिशन ये रहा सर डेल्टा आरवेक्टर अपॉन डेल्टा टी ठीक है अब डेल्टा आरवेक्टर कहाँ पता करना है तो एवरेज वेलोसिटी बतानी है एक से तीन के बीच में मतलब फाइनल पोजीशन मुझे बतानी है टी इक्वल टू थ्री पे और इनिशियल पोजीशन मुझे बतानी है t 1 पे डिवाइडेड एक अच्छा, तो उस एक्स का जो रिलेशन दिख रहा है उसमें टी इक्वल टू थ्री डालो वो एक्स का जो रिलेशन रख रहा है उसमें टी इक्वल टू थ्री डालो सो थ्री इंटू थ्री स्क्वायर थ्री इंटू थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री प्लस फाइव ये क्या आ गया सर मेरा ये तो सर आ गया मेरा आर थ्री ये क्या आ गया मेरा आर थ्री माइनस माइनस आर वन भी रखो आर वन भी रखो थोड़ी जगह की कमी पड़ रही <coughs> गलती हो गई यार थोड़ा सा वीडियो बैक कर लेना समझ जाओगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है गलती से गलत बटन प्रेस हो गया मैं वापस निकाल रहा हूं एवरेज नहीं निकालूंगा इंस्टेंट एवरेज निकालूंगा इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल रहा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी मेरी चेंज इन पोजिशन

ठीक है सर ये भी आ गया ये भी आ गया सर मेरा ये R3 आ गई आर वन आ गया डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा तीन में से एक गया तीन में से एक जाएगा बचेगा दो तीन में से एक जाएगा बचेगा दो ठीक है अब 3 into 3 square, ये ये कितना हो जाएगा ये 27, 27 plus 6, अच्छा एक चीज और एक चीज और पांच से पांच को तो पहले ही हटा दो पांच से पांच तो पहले कैंसिल हो जाएगा सत्ताईस प्लस छ थर्टी थ्री और थर्टी थ्री माइनस तीन प्लस दो पांच थर्टी थ्री माइनस फाइव ट्वेंटी सेवन नहीं

ये आ गई मेरी एवरेज वेलोसिटी ये आ गई मेरी कितनी एवरेज वेलोसिटी और वो कितनी आई थी सिक्सटी प्लस टू सिक्सटी प्लस मतलब थर्टी टू है ना तो इंस्टेंटेनियस कितनी आई थी इंस्टेंटेनियस आ गई थी थर्टी टू मीटर पर सेकेंड थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना वहां पे एक्सप्रेशन पूरा दिया हुआ है ठीक है सर बढ़िया समझ आ गया अगले सवाल पे चलो अगले सवाल पे चलो बताओ इसमें से क्या आंसर होगा बताओ कोशिश करो आप लोग भी ट्राई करना यार वीडियो पॉज करके देखो क्या है आंसर रूट एक्स दिया हुआ है यहाँ पे थ्री के बराबर रूट एक्स क्या दिया हुआ है टू टी माइनस थ्री के बराबर पूछ फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज जीरो पहली चीज वेलोसिटी जीरो मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाए ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाए रेस्ट पे आ जाए इसको इस तरीके से बोलते हैं फाइंड द टाइम एट विच द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट

टू टू टी एज इट इज बस टू क्लियर है दो नीचे गिरेगा टू इंटू टू टी माइनस थ्री हाँ जी सर बिल्कुल उसके बाद फिर अंदर जाऊंगा डिफरेंसिएशन के तो पे बस 2 बचेगा क्लियर है बोला है जिसको भी समस्या आ रही है बता देना एक कैलकुलस का सेशन अभी जल्द ही रखेंगे हम ठीक है तो ये कितना आ गया सर ये तो आ गया मेरा टू फोर फोर टू से आ गई मेरी वी इंस्टेंटेनियस तो अब बताओ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब है

क्लियर है ऑप्शन नंबर डी 1.5 सेकंड सेकेंड पे क्या हो रहा है मेरी बॉस वेलोसिटी जीरो के बराबर है दिस इज दिटीज टू जीरो सो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी अब इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते टीवल टू वन टीवल टू टू पे चलो तो इंस्टेंटीनियसीडीवल टू वन कितनी हो जाएगी इस एक्सप्रेशन में टी इक्वल टू वन डालो आठ इंटू वन माइनस ट्वेल्व यानी माइनस फोर मीटर पर सेकेंड ठीक है सर ऐसी वेलोसिटी टू टू भी बता देते हैं वेलोसिटी टू टू। दो डाल दो तो आठ गुड़े दो एस आठ गुड़े दो एस सोलह सोलह माइनस ट्वेल्व इज प्लस फोर मीटर पर सेकेंड समझ रहे हो बात को अब इस क्वेश्चन का जरा एनालिसिस भी करना है ऐसी बस मजा थोड़ी आएगा यस yes, आलम जी बिल्कुल समझ रहे बहुत अच्छी बात है यस सर गुड अब देखो इस क्वेश्चन का जरा जरा एनालिसिस करते करते हैं हैं इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्योंकि समझ में नहीं आई तो फिर दिक्कत दे गई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत दे गया समझ में क्या आना है सर इसमें आंसर निकाल तो दिया अरे भैया समझ में मुन्ना जी यह आना है कि आप देख सकते हो टी इक्वल टू वन पे क्या वेलोसिटी टी इक्वल टू वन पे सर वेलोसिटी माइनस चार ठीक है टी इक्वल टू जीरो पे भी निकाल दो ना सर इतना ही कर रहे हो तो टी इक्वल टू जीरो पे भी निकालो टी इक्वल टू जीरो पे देख सकते हैं कितना माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व अच्छा इससे एक्सेलरेशन भी निकालना चाह रहा हूं मैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर इसका डिफरेंसिएशन डी वी बाई डी टी डी बाई डी टी वो कितनी आ रही है सर वो आ जाएगी इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो एट एट मीटर पर सेकेंड ये है एनालिसिस ये है कि पहले जो ऑब्जेक्ट था ना पहले जो ऑब्जेक्ट था मान लो यहां से चालू हुआ तो उसके पास जो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो पर सेकेंड तो पे 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 अब वो माइनस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है तो एक्सेलरेशन क्या करेगी यहाँ पे इस वेलोसिटी को घटाएगी 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 ऐसे घटाती जाएगी घटाती जाएगी घटाती जाएगी घटाती जाएगी क्वल टू वन पे जब जाएगा वो तो उसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई अब अब हो गई चार माइनस चार यानी चार मीटर पर सेकेंड ठीक है फिर तो अपना काम कर रही है यह है टी इक्वल टू वन और ये क्या है यह टी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव ये क्या है टी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इस पॉइंट पे आने के बाद इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा यहां पे आने के बाद अब वेलोसिटी अपना रास्ता बदलेगी अब पीछे जाएगी अब पीछे जाएगी अब पीछे जाएगी पीछे जाएगी और इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी समझ रहे हो बात को समझ में आ रहा है ये है एनालिसिस मतलब शुरू यहां से हुई शुरू यहां से हुई और ऐसे घूम के फिर अब आगे की तरफ बढ़ रही है क्लियर है समझ आया क्या तो ऐसे सवाल आएंगे ऐसे सवाल आएंगे ऐसे सवाल हम कहां ज्यादातर देखेंगे ये देखो ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का केस है ये किसका केस है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का केस है और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं अच्छा सर क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो सर आगे बताओ अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के भी काफी सवाल आते हैं एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के किस टाइप के सवाल आते हैं पहला कैटेगरी तो ये रहा जिसमें डिस्टेंस दे देते हैं स्पीड दे देते हैं दूसरा कैटेगरी आता है टाइम देते हैं स्पीड देते हैं ठीक है एक होता है आपको डिस्टेंस देते हैं स्पीड देते हैं फिर एक आता है डिस्टेंस देते टाइम देते हैं और दूसरा आता है आपको टाइम देते हैं और वेलोसिटी देते तो चलो आप ये पहला कैटेगरी करते हैं जिसमें आधा डिस्टेंस इसने बोला स्पीड वी वन से चल रहा है और आधा डिस्टेंस स्पीड वी टू से चल रहा है बहुत से जब बच्चे जल्दी में वी वन प्लस वी टू बाई टू करेंगे जो कि सरासर गलत है ये एनालिसिस एकदम गलत है ये एनालिसिस में क्या है आपका डिस्टेंस डिस्टेंस गिवन है और क्या दिया है स्पीड या वेलोसिटी ठीक है स्पीड या वेलोसिटी दी है ये वो वाला केस है केस वन है ये केस वन है तो इसको याद रखना इस केस वन में कैसे आंसर आता है तो देखो आधा डिस्टेंस बोला उसने यहां से चला इधर तक गया फिर यहां से चला यहां तक गया ये आधा डिस्टेंस हो गया x मान ले भाई ये आधा डिस्टेंस हो गया x मान ले भाई तो एवरेज स्पीड कितनी होगी एवरेज स्पीड हो जाएगी सर जो एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगी सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी 2x डिवाइडेड बाय इसको करने में मान लो t1 टाइम लगा इसको करने में सर t2 टाइम लगा तो 2x अपॉन t1 प्लस t2 अच्छा ओके सर ठीक है उसके बाद t1 कितना हो जाएगा तो यहां पे वो वो चला चला पता किससे? से और यहां चला पता कितने से V2 से। so, T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी T1 की value हो जाएगी सर जो वो आता है टू टाइम्स वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस क्लियर है ये है एवरेज स्पीड का आंसर इस केस वन में यह एवरेज स्पीड का आंसर तो है इलेवें इलेवेंथ नीट बैच सेशन देखोगे उसमें काफी सारे सेशन हो चुके हैं आप ये आप पराक्रम बैच में हो पराक्रम बैच किसके लिए ड्रॉपर्स के लिए, लिए. पराक्रम बैच किसके लिए है ड्रॉपर्स के लिए है ठीक है और प्रारंभ बैच किसके लिए है प्रारंभ बैच, बैच है आपके आ... इलेवेंथ uh, के लिए ठीक है कौन सा बैच प्रारंभ प्रारंभ ओके दिस इज़ द बैच फॉर क्लास क्लास ओकेवेंथ इसके सेशन देखो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आपको सेशन भी पता चल जाएंगे कि किस हिसाब से क्लासेस हो रही हैं ठीक है सो दिस इज फॉर क्लास इलेवेंथ ये जो है पराक्रम बैच दिस इज फॉर क्लास थर्टीन दैट मीन ड्रॉपर्स के लिए ठीक है ओके okay, सर बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट चीज नेक्स्ट जो केस आता है ये केस टू जो है केस टू में क्या है केस टू आपका बोलता है भैया यहां पे आपको टाइम और स्पीड दी रहती है ये कौन सा वाला है जहां पे मेरे को स्पीड स्पीड वेलोसिटी दी है और साथ ही साथ टाइम दिया हुआ है ठीक है ये दो केसेस गिवन रहते हैं ठीक है इसमें कैसे पता करते हैं अब इसमें बोला आधे टाइम के लिए स्पीड वी और अधर आधे टाइम के लिए स्पीड वी ठीक है एवरेज स्पीड बताओ तो यहां पर एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी देखो फॉर्मूला तो उसका सेम ही है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां से चला इधर तक गया और फिर यहां से चला और इधर तक गया ठीक है इसमें स्पीड उसकी वी वन थी इसमें स्पीड उसकी वी टू थी यहां जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो एक्स वन था और यहाँ जो डिस्टेंस उसने किया वो एक्स टू था ठीक है यहाँ पर टाइम कितना लिया टी वन लिया तो एक्स वन की वैल्यू टोटल तो एवरेज स्पीड कितनी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन यानी एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू ठीक है जो दूसरा टाइम है कितना है डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू और ये दूसरी चीज इन्होंने बोला हाफ ऑफ इट्स टाइम यानी टी वन भी टोटल टाइम बाय टू है और दूसरा वाला जो है वो भी टोटल टाइम बाई टू है यानी ये ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर बराबर हैं भाई आधा आधा हैं। तो ये टी और टी बराबर है तो ये करोगे तो देखो V1 t, 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 t यानी तो यहां पे स्पीड जो आती है यहां पे एवरेज स्पीड जो आती है वो आती है अगर रट रहे हो तो ये ऐसे रटोगे ये केस टू है। ये कौन सा है केस ये केस नंबर टू है जब आपको स्पीड वेलोसिटी और टाइम दिया है। इससे पुराना केस क्या था जब डिस्टेंस और वेलोसिटी दी हुई थी तब आपकी जो टू आ रही थी सपोज सबको थी। समझ आ रही है क्वेश्चन okay. आया हुआ है ठीक है नीट दो हजार तेईस में आया है। ऐसी सवाल, ऐसी सवाल तो देखो बॉडी कवर्स फर्स्ट पार्ट ऑफ पर जर्नीकेंड नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ थ्री मीटर पर सेकेंड एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी विदॉसिटी पर सेकेंड द एवरेज विलॉसिटी ऑफ द बॉडी विल भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं आओ सॉल्व करते हैं साथ में सॉल्व करने की कोशिश करने आर आलम जी क्लास इलेवेंथ का ही टॉपिक है ये भी तो अगर इसको कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्या बोल रहा है ये एक तिहाई भाग उसने सपोज यहां से चालू होता है यहां से एक तिहाई भाग ठीक है विथ वेलोसिटी ऑफ टू मीटर पर सेकंड यहां पे मतलब चलने की उसकी स्पीड थी टू मीटर पर सेकंड और ये डिस्टेंस टोटल अगर एक्स है तो एक्स बाय थ्री

प्लस टी थ्री सिंपल सी चीज ठीक है सो टी वन टी टू टी थ्री जोड़ना है बस आओ निकालते हैं x डिवाइडेड बाय t1 कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाय थ्री x बाय थ्री डिवाइडेड बाय टू अच्छा ऐसी x बाय थ्री डिवाइडेड बाय थ्री ऐसी x बाय थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स अच्छा जी ओके समझ आया क्या क्लियर है कि नहीं हाँ जी तो x x x x कैंसिल सारे एक्स कैंसिल हो गए अब बस डिनोमिनेटर सेम कर लो तो ये छे है ये नौ है ये अट्ठारह है तो अट्ठारह ही कॉमन आ रहा है और अट्ठारह को ऊपर ले जाना कंफ्यूज हो जाओगे तो वन अपॉन यहां पे अपने को लेना है इसका डिनोमिनेटर कॉमन आ गया अट्ठारह तो ये छ तीन से जाएगा ये नौ दो से जाएगा तो यहां दो आ गया और ये एक से जाएगा क्लियर है तो ये हो जाएगा तीन प्लस दो पांच पांच प्लस एक छ जाएगा अट्ठारह से तीन से तीन ऊपर जाएगा यानी थ्री मीटर पर सेकेंड ऑप्शन है क्या हाँ जी सर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर है ठीक है सो हमने करेक्ट आंसर निकाल दिया हमने करेक्ट आंसर निकाल दिया तो बस ये बताना चाह रहा हूं इस टाइप के एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के सवाल बहुत सारे आते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं जैसे कि एक और क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये सवाल जो है आपका ये क्या है होमवर्क है इसको ट्राई करना और बताना आंसर कितना है क्लियर ओके okay. चलो सर आगे, <है। coughs> आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये एवरेज एक्सेलरेशन का ये भी बड़ा सिंपल सा सवाल है आ, रेस्ट से इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है और फाइनल पहुंच गया कितना 360 किलोमीटर प्रति घंटा तो एवरेज एक्सेलरेशन बताना है अच्छा एक और चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जब भी मीटर पर सेकंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपल सी चीज एक पता होनी चाहिए ठीक है जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड से करना है तो बस पांच बटे अठारह से मल्टीप्लाई करना है और इससे करना है तो अठारह बटे पांच से मल्टीप्लाई करना है ठीक है इसको नोट बना के लिख लो इसको नोट बना के लिख लो ठीक है ये क्वेश्चन सवाल में काम आएगा क्योंकि तीन किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी आगे सॉल्व कर पाओगे ठीक है सर आओ अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की किसकी बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की तो आपने जो तीन हथियार समझे थे आपने जो तीन हथियार समझे थे कौन कौन से थे सर तीन हथियार थे हमारे पास v v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी ठीक है दूसरा आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी और तीसरा हथियार था आपका a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स अब ये तीन हथियार हैं ये एवरग्रीन हथियार है ये हमेशा वैलिड रहेंगे ये हमेशा वैलिड रहेंगे ठीक है ये हमेशा वैलिड रहेंगे हा वट इज हा नागा वेंकट वट इज हा ठीक है सो so ये तीन हथियार जो है दीज थ्री वेपन आर गोइंग टू स्टे विथ यू एवरी टाइम whether acceleration is constant or not constant. But the equations of motion which I am talking about, जो कि यहाँ भी लिखूँगा फटाफट, ये तभी valid है जब क्या? जब आपकी acceleration constant हो, जब आपकी acceleration क्या हो? Acceleration क्या हो? Acceleration constant हो, acceleration constant हो. समझो तो equations of motion क्या हैं? सबसे पहला जो equation of motion है वो हो जाता है v is equal to u plus at. Clear? Second हो जाता है आपका क्या? Second हो जाता है s is equal to ut. प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर क्लियर थर्ड जो हो जाता है थर्ड इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस क्लियर ठीक है सर फोर्थ जो हो जाता है फोर्थ जो हो जाता है क्या होता है सर सारे तो कर दिए अब क्या बच रहा है नहीं यार एक इससे भी निकाल देते हैं यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी समझो और दूसरा एक ये भी याद रखो कौन सा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस ये रहा और एक ये भी याद रखो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वा यह वी फाइनल वेलॉसिटी और यह क्या है सो e, so, ये चारों याद रखो ठीक है कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन रहती तो आप इससे भी निकाल सकते हो क्लियर ये चार इक्वेशंस ऑफ मोशन आप हमेशा याद रखना और होती तो वैसे एक दो चार ही है स्टैंडर्ड और मोस्टली इंपॉर्टेंट बात क्या है? याद रखने की दीज आर वैलिड ओनली ओनली वैलिड when acceleration is constant when acceleration is constant ठीक है acceleration जब constant होगी तभी यह valid है और यह तीन हथियार तब valid है जब acceleration constant हो या ना हो यह तब valid है जब acceleration constant हो या ना हो clear है यह तभी valid है जब uniformly accelerated motion हो क्या हो uniformly accelerated motion हो तभी equation of motion लगती है और कोई भी type का motion हो तो यह तीन equation लगती है इन्हीं से काम होगा अच्छा okay sir ठीक है

ठीक है ऑब्जर्व टू कवर डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड मीटर सौ मीटर सौ मीटर कवर किया उसने कितने में चार सेकंड में ठीक है तो यहां से इधर गया इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई सौ मीटर इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मीटर 100 मीटर 100 इसने किया कितने सेकंड में, में, में चार सेकंड में चार सेकंड में अच्छा ठीक है सर बढ़िया उसके बाद फिर वो ये पूछ रहे हैं कि अगले चार सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इस समय उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी इस समय उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो चार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी सॉरी दस थी दस मीटर पर सेकेंड थी। थी? दस, थी, दस, दस, दस मीटर पर सेकेंड सर okay, अब वो अगले चार सेकेंड में कितना चलेगा ये बताना अगले चार सेकेंड में मतलब यहां से यहां तक वो कितना चल जाएगा नेक्स्ट फोर सेकेंड में

आपको बस चूज करना है कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है तो एक काम करते हैं यहां पे वेलोसिटी पता कर लेते हैं यहां पे आपका ऑब्जर्व टू कवर यहां पे इसने बताया नहीं यू थी ठीक थी। है तो ये यू नहीं पता इस वी को पता कर लेते हैं कैसे पता करोगे से भी पता कर सकते हो तो देखो ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क् निकाल रहा हूं किसमें पहले अंतराल में इस चार सेकंड में तो डिस्प्लेसमेंट कितना है सौ यू मुझे पता नहीं टाइम चार है प्लस हाफ ऑफ एक्सलेशन दस है टाइम स्क्वायर ठीक है ये जाएगा पांच से सोलह गुड़े पांच होता है 80, 80 से जाएगा तो यू इंट फोर फोर यू आ जाएगा तो वी की वैल्यू बता सकता हूँ क्या वी की वैल्यू बता सकता हूँ हाँ सिंपल तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी यू की वैल्यू कितनी यू की वैल्यू पांच है एक्सेलरेशन दस टाइम चार ये कितना आ आ आ गया? ठीक है, 45 बता दिया आपने, मतलब पे जो वी आ जाएगी कितनी पहली चीज तो ये या फिर मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन दिख रहा है मुझे इससे भी बताऊँ क्या जो जो मेरी डिजायर्ड एक्स है इसको मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ एक्स ठीक है मुझे जो एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स असल में है क्या एक्स असल में है एक्स है मेरा डिस्प्लेसमेंट इन एट सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन फोर सेकेंड है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इन एट सेकंड विल इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ऑफ स्क्वायर यू इज हाउ मच यू इज फाइव फाइव डिस्प्लेसमेंट इन एट निकाल रहा हूं अभी मैं यू इन टू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है एक्सेलरेशन इसमें है मेरा सर 10 एक्सेलरेशन कितना है मेरा 10 10 into, 10 into 8 स्क्वायर 10 into 8 स्क्वायर दिस इज माइनस माइनस s into 4 डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड चार सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई वो तो दिया हुआ है So क्लियर है तो इससे मेरा क्या पता चल जाएगा x की वैल्यू दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ x कितनी आ रही है यहां पे 8 5 40 और ये स्क्वायर को थ्री ट्वेंटी लिख लेता हूँ नेक्स्ट फोर सेकेंड इज गोइंग टू बी टू हंड्रेड एंड सिक्सटी मीटर समझ आया क्या आना ही चाहिए यार बहुत प्यारा सवाल था बहुत ही प्यारा सवाल था ठीक है ऐसे ही सिमिलर सवाल ये भी है आओ इसको सॉल्व करते हैं

अब उसने क्या डेटा दे रखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड सेकेंड थ्री सेकंड इंटरवल फ्रॉम स्टार्ट इज स्टार्टिसफ्टी मीटर ये दूरी दे दी उसने पंद्रह मीटर ये बिना डायग्राम के तुम तो, नहीं ला पाओगे तुम्हें तो डायग्राम बनाना पड़ेगा डायग्राम बनाओगे तभी तो क्वेश्चन हिलेगा भी देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड ये डिस्टेंस बताना है ये डिस्टेंस बताना है यहां से यहां तक का ठीक है ये एक्स बताना है ये एक्स बताना है समझ रहे हो बात को क्या बताना है भाई ये एक्स बताना है ये जो एक्स आप देख रहे हो ये बताना है यहां से यहां तक का ओके okay, सर कैसे बताओगे कैसे बताओगे सर उसके लिए तो एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पता है मेरे को क्योंकि देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है दिया हुआ है द कार यूनिफॉर्म रेट सपोज ए ए है है ये है, तो ए से एक्सेलरेट कर रहा है ठीक है अब ये डिस्प्लेसमेंट पंद्रह सेकेंड दिया पंद्रह मीटर दिया है तो मैं एक चीज यूज करता हूं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट टिल थ्री सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट टिल टू सेकेंड विल बी इक्वल टू हाउ मच दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू फिफ्टीन मीटर जो दी हुई है समझ रहे हो ना ये पहले सेकंड का इंटरवल है दूसरे का और तीसरे का वही तीसरे का दिया हुआ है। अब थ्री से हुआ है, तो है तो बस हाफ एटी स्क्टू थ्री स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट थ्री माइनस हाफ ऑफ ए इंटू टू स्क्र ठीक है ये, ये किसके बराबर है सर ये है मेरा पंद्रह मीटर के बराबर तो क्या मैं यहां से ए की वैल्यू बता सकता हूं हां सर बिल्कुल ये नाइन बाई टू माइनस फोर बाय टू दैट इज फाइव ए बाई टू पांच हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आ गया एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन आ गया तो क्या मैं इसको बता सकता हूं बिल्कुल सर बता सकता हूं तो वैसे क्वेश्चन यही था डायग्राम बनाते फटाफट आंसर आ जाता है एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड दैट इज हाफ ऑफ एक्सेलरेशन टू इन वन स्क्वायर जो कि कितना आ रहा है वन मीटर के बराबर ठीक है सो so, x की वैल्यू कितनी आ गई पहले सेकंड में जो डिस्टेंस मूव होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 मीटर दैट इज गोइंग टू बी 1 मीटर ठीक है सो आई थिंक यार सभी को आनंद आया सबको मजा आया सेशन में पूरे सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर कट है बट ये सब कुछ नहीं है हम इस सेशन को आज यहीं पे क्लोज करते हैं अगले सेशन में मिलेंगे और अगले सेशन में इससे ज्यादा सवाल करेंगे इससे ज्यादा सवाल करेंगे साथ ही साथ ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि ग्राफ्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं ठीक है थीके? यहां पे मैंने आपको एक अच्छा सा इनिशियल स्टार्ट दे दिया है का जो कि आपको पूरा एंटायर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के जो स्टार्टिंग टॉपिक्स है उनको समझने में काफी हेल्प करेगा ठीक है अब इसको हम यूज करेंगे और कहां यूज करेंगे ग्राफ्स में तो ग्राफ का पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे अगले सेशन में मिलता है अगले सेशन में टेल देन बाय थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू